सर, नागिया गैंग के लोग काफी होशियार हैं। लगता है नंदू आज फिर भाग गया। हाँ? कब तक भागेगा? थोड़ा लेफ्ट में हो। आ। मैं बैटिंग करूंगा। तू तो एम्पायर है, एम्पायर बैटिंग थोड़ी करता है। ये बैट किसका है? तुम्हारा। ये स्टंप किसका है? तुम्हारे। पर बॉल तो मेरी है यार। तो तू बॉलिंग कर, चल चल। घबरा मत, एक ही बॉल में आउट करता हूँ। क्या फालतू गिरी हो रही है यार, खुली चीटिंग, खेलना भी नहीं आता इनको। देखा क्या बाड़ा, मैं तो ही बैन हूँ। मेरी मम्मी मेरे को बुला रही है, मैं घर जा रहा हूँ। मेरा नाश्ते का टाइम हो गया, दूध पीने का। अच्छा
जय माता दी। सुंदर ही होगा, पाजी के दूध का टाइम जो हो गया। दरवाजा खोलो। आती हूँ बाबा, आती हूँ। दरवाजा खोलो माँ। ये भगवान जरा शांति नहीं से। मेरे को इतनी जोर से भूख लगी है, मेरे को कुछ दूध भी नहीं देता। फालतू की पिर पिर मत कर, देख उधर है कि नहीं, बोलता ही रहता है। छी, इसमें तो हॉर्लिक्स भी नहीं डाला है, मैं तो दूध भी नहीं पीऊंगा। पहले मेरे को 2-10 रुपया चाहिए, 1-10 और 2-10। क्या? यस। जब देखो तब पैसा पैसा, सुबह ही तो 20 रुपए ले गया था। वो तो खत्म भी हो गए, अभी मेरे को बॉल लेना है। कोई बॉल वॉल नहीं लेनी, चल दूध पी। मैं दूध नहीं पीऊंगा सुंदर, मैं ऐसा मारूंगी ना। चल दूध पी। मैं नहीं पीऊंगा, मैं दूध भी नहीं पीऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। भाई ये क्या गड़बड़ चल रही है? मेरे को 2-10 रुपया चाहिए, 1-10 रुपया और 2-10 रुपया। जय खबरदार, जो इसे एक पैसा भी दिया तो मैं मना कर चुकी हूँ। वेल भाई, अगर माँ ने कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। मुझको पटकता है, मैं तुझसे बड़ा हूँ ना, मैं तुझसे बड़ा हूँ ना। जय जय, क्या हो रहा है? सुंदर, ए सुंदर, ये क्या कर रहा है? छोड़ उसे, जान से मार डालेगा क्या? छोड़। माँ, सुंदर बच्चा है माँ। अरे दिमाग ही बच्चे का है ना, ताकत तो आदमी की है। इतना भी नहीं समझता कि किसी को चोट लगती होगी। अरे अगर इसे इतनी समझ होती तो क्या ये मुझे चोट पहुंचाता? तूने ही इसे सर पे चढ़ा के रखा है। कोई हिसाब है इसके खर्चे का? नवाब समझता है अपने आप को। चल चल। हे भगवान, ऐसी औलाद से तो मैं बिना औलाद के ही अच्छी थी। मैं भी ऐसी माँ से तो बिना माँ का ही अच्छा था। सुंदर, तो फिर मेरे को बॉल के पैसे देना। मुझे वैसे इतनी देर हो चुकी है, ये मिसेस पेसन जी के अंदर जाकर सो गई हैं। आप इतने तंग कपड़े डिजाइन करोगी तो मुश्किल तो होगी चढ़ाने के लिए। अभी तो बाहर आकर बोलेगी कि कम्बट से टाइट नहीं हो सकती। एम तो घणोस बराबर छे आ टीकरा, एकदम परफेक्ट छे। पर जॉनी अहिया जड़ा इधर कमर में थोड़ा टाइट नहीं हो सकता? क्यों नहीं मिसेस पेसन जी, जरूर हो सकता है। लिखना मीता 40। नहीं नहीं, 42 ठीक है। ओके मीता 42। बाकी मिसेस पेसन जी आप प्लीज मीता को समझा दीजिए, मेरा एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। ओके, इतने के मारो अपॉइंटमेंट इम्पोर्टेंट नहीं, जरूरी नहीं है। वाह। नहीं नहीं मिसेस पेसन जी, ये बात नहीं है, मैंने ना किसी को टाइम दिया हुआ है, वो बेचारा इंतजार कर रहा होगा मेरा, पागल हो रहा होगा गुस्से में। प्लीज एक्सक्यूज मी। यस, कहीं आप ज्योति माथुर तो नहीं? बिल्कुल हूँ, अगर तुम जय हो तो। कम ऑन, वो कॉलेज वाली ज्योति में और आज में कितना फर्क आ गया, कमाल की बात है। कमाल तो तुम्हारा है, पहचान लिया। मैं पहले डर रहा था कि कहीं ज्योति उतर ना पड़ जाए, रॉन्ग नंबर लग गया तो। मैं बैठ सकता हूँ प्लीज? ये इतना चेंज कैसे आ गया तुम्हें? अरे भाई, अच्छी खासी खाती पीती सेठानी हूँ, दो दो बच्चों की माँ हूँ। तुमने शादी की या नहीं? कहाँ, अपने लाइफ में तो इंतजार लिखा हुआ है। वैसे एक बार बताओ, बहुत अच्छी लड़की है, तेरा हस्बैंड का? बच्चों को लेकर गए नारियल पानी पिलाने। ओह गुड पापा। इतना इंतजार कराने के बाद अभी आई है मैडम। क्या कर रहे हो? जला रहा हूँ, इतना इंतजार जो करवाया मुझसे। मेरे हस्बैंड ने देख लिया तो मुझे गोली मारेगा? अरे नहीं मारेगा यार। क्या बताऊं ज्योति, जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो, जिंदगी जिंदगी नहीं रही। इतने दिन तो मैंने तुम्हारी बंदगी में काट लिए, मगर अब तो ऐसे लगने लगा था कि तुम्हारा इंतजार करते करते कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए। खैर, भगवान ने दोबारा तुम्हें मेरी झोली में डाल ही दिया। ज्योति, ये जगह बड़ी खुली खुली सी है, कहीं बंद जगह चले? कहां, जहन्नम
कमान जानो भी कोई जो कहाँ भाई तुम जदी दिस इज अपना शर्मिला माय बेस्ट फ्रेंड बैठो ना मैं यहाँ क्यों बैठूं मैं कब अपनी हड्डी क्यों बनूं करेक्ट दैट्स अ पॉइंट पॉइंट में दम है शट अप अरे ये तो तुम्हें यूं ही तंग कर रहा था यूं ही तंग करने वाले एक ही कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालकर साथ साथ सिप नहीं लिया करते देखो शर्मिला मेरे कोल्ड ड्रिंक से या तो मेरे पति सिप कर सकते हैं या फिर मेरे बच्चे झूठ ये तो मेरे कॉलेज का दोस्त है और इसकी पहले से यही आदत है तुम तो जानती होगी अब तुम दोनों के झगड़े में मुझे वैम बनने का कोई शौक नहीं है मैं जा रही हूँ क्यों झूठ बोल रही यार अच्छा सुन तेरा पर्स तो लेके जा ओ या ऑल द बेस्ट मैं तो तुम्हें जला रहा था यार जला नहीं तो प्यार का पैमाना होता है घटिया फिल्मी डायलॉग तुमने तय किया था मासी मिलाने घर ले जाओगे तय ना आओ पहले मैंने सोचा था मगर बाद में मैंने फिर सोचा मैंने कहा कि देखो पहले हम आपस में तो तय कर ले ये मां से मिलवाने वाली जो बात है ना ये कोई मामले नहीं है बहुत गंभीर है क्या ये तुम्हारा हमारा जो झगड़ा होता रहता है ना अच्छी बात नहीं है नहीं वैसे तुम्हारी हम देखो अभी ये मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे तुम्हारी हमारी बात अपना फाइनल के आसपास आ पहुंची है बट स्टिल कभी कभी क्या होता है मालूम है ये ज्योति जैसी लड़कियों से मिलता हूं ना तो दिल डगमगा जाता है यू नो ओके देन लेट्स कॉल इट अ डे आइंदा मुझसे मिलने की बिल्कुल कोशिश मत करना शर्मिला ए तुम्हारा चश्मा हे शर्मिला तुम तो भड़क गई मैं मजाक कर रहा था मैं कि तुम्हें सड़क पे पड़ी नजर आती हूँ तुम्हें शहनो तो अपनी पुरानी सहेली ज्योति के साथ झगड़ो ना बहुत मेरे अलावा सभी अच्छे हैं तुम्हारा काम तुम्हारी माँ और वो तुम्हारा पागल भाई शर्मिला सारी दुनिया उसे पागल के तुम कभी मत कहना क्योंकि तुम जानती हो वो पागल है वो अच्छा आई एम सॉरी जे मेरा मतलब वो नहीं था देखो शर्मिला ये सच है कि तुम मेरी जान हो मगर ये भी सच है कि मेरा भाई मुझे जान से प्यारा है सब रेडी हो गया ये जय है ये माँ है और ये छोटा वाला नूना बच्चा मैं जय आ गया जय आ गया जय आ गया जय आ गया शिट मैंने तो सोचा था कि जय आ गया मैं अंदर आ सकती हूँ आइए ठहरिए आंटी मगर मेरी मम्मी तो बाहर गई है सब्जी लेने के लिए लेकिन मैं तो सुंदर भैया से मिलने आई हूँ महिला आप मेरे को जानती हैं? बिल्कुल मगर मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ तो फिर कौन हो दीदी हट मैं तुम्हारी भाभी हूँ अच्छा बोलो तुम्हें चॉकलेट चाहिए या नहीं चॉकलेट हाँ तो फिर जल्दी बताओ मैं तुम्हारी कौन हूँ भाभी हाँ अब मेरे पास दो चॉकलेट और हैं एक चॉकलेट और दो चॉकलेट बैग में है हाँ मगर मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे तो खिलाऊंगा ना मेरे पास तो बहुत खिलौने हैं मैं तो पेंटर भी हूँ सच हाँ मैं तो ही मैन भी हूँ आओ मेरे कमरे में चलो देखा मैंने तुमको बोला था ना मैंने तुमको बोला था ना कि मैं पेंटर हूँ देताली देताली लेताली तेरी मुच्छी काली देखा मैंने तुम्हारा फोटो बना दिया तुमको फ्रॉक भी बना दिया मां आ गई ऐसी क्या दिख रही हो देख रही हूँ कि माँ कैसी होती है मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई और फिर बाबूजी भी छोड़कर चले गए अरे अरे मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटी जी मैं शर्मिला हूँ शर्मिला थोड़ी है माँ ये तो मेरी भाभी है क्या हाँ सुंदर भैया हाँ तुमने तो मेरे को बोला था कि भाभी बोलो तो चॉकलेट दूंगी माँ इसने मेरे को दो चॉकलेट दिया एक चॉकलेट और दो चॉकलेट देखो मैंने इसको घर में भी बुला लिया ये देखो भाभी अच्छी लग रही है ना ना बोलो ना
अच्छी है। देखा शर्मिला, बैठो बेटी बैठो। अच्छे बच्चे माँ की बात मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। कब से जानती हो मेरी बेटी को? जी यही कुछ 5-6 महीने हो गए। अच्छा 6 महीने पहले? मतलब 6 महीने से मेरा बेटा रोज तुम्हें मिलता है? नहीं वो, और मुझे ही नहीं बताया उसने। नहीं रोज नहीं, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में। लो आ गया, अभी लेती हूँ उसकी खबर। नहीं नहीं माँ जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, वरना पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं उनसे बिना पूछे क्यों आ गई। ये घर मेरा है, पूछना मुझसे है, और अब मुझे उससे कुछ पूछना है। तू चुपचाप बैठ, मैं उसे देखती हूँ। नहीं माँ जी प्लीज। माँ बहुत जोर से भूख लगी, खाना दो। खाना दूँ? ले खा, खा। क्या हो गया माँ? करता है माँ से झूठ बोलता है। बोल झूठ क्यों बोला? क्यों बोला? क्या मेरे भाई को मारा ने? मेरे भाई को मारा मत। सुन मेरे भाई को मत मारो, मत मारो, मत मारो, मुझे मार लो, मेरे भाई को मत। तू नहीं समझता, जा बोल छोटे। माँ समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा कि बात जब मैं कहती हूँ कि शादी कर ले तो कहता है मेरी उम्र ही क्या है, पहले मेरी तनख्वाह तो बढ़ने दे, और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाते वक्त ये सब याद नहीं आता। कौन सी लड़की माँ? कैसी लड़की? किस गुलछर्रे की बात कर रही हो माँ? अच्छा तो तू किसी लड़की को नहीं जानता? मैं तो कभी किसी लड़की की तरफ आँख उठा के देखता भी नहीं माँ। बड़ा भोला है ना मेरा बेटा। तो तुम्हारी जो बहू बनेगी उसे तुम ही पसंद करोगी ना? अच्छा, और अगर मैं उसे ना पसंद करूं तो तू जिंदगी भर उससे बात भी नहीं करेगा? नहीं बिल्कुल। शर्मिला शर्मिला, ये है वो लड़की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या रे, तुमने मेरी माँ के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पकाई? बिहेव योरसेल्फ। आओ बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। अरे जय, लड़की मुझे पसंद है सुना? और मुझे भी पसंद है सुना। कुछ भी कर दिल रुबा, ताले लगा ले पहरे बिठा ले कुछ भी कर दिल रुबा, दामन बचा ले बाहें छुड़ा ले आएगा अब मजा, गालों की लाली चुरा लूंगा होठों से शबनम उड़ा लूंगा, गालों की लाली चुरा लूंगा होठों से शबनम उड़ा लूंगा, ताले लगा ले पहरे बिठा ले कुछ भी कर दिल रुबा, दामन बचा ले बाहें छुड़ा ले आएगा अब मजा, गालों की लाली चुरा लूंगा होठों से शबनम उड़ा लूंगा, गालों की लाली चुरा लूंगा होठों से शबनम उड़ा लूंगा। को फंसाने आई थी, जाने जाना पास आना मुझसे
डरती है क्या, सीने से तुझको लगा लूंगा मैं प्यास दिल की बुझा लूंगा, सीने से तुझको लगा लूंगा मैं प्यास दिल की बुझा लूंगा। शबनम उड़ा लूंगा जुल्फों के नीचे छुपा लूंगी पलकों में तुझको बसा लूंगी। हेलो सर, मैं वर्लीकर बोल रहा हूँ। नंदू सामने वाली बिल्डिंग में छुपा हुआ है, गोकुल मेंशन में। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या पकड़ लूँ साहब उसको? खबरदार, तुम वहाँ से हट जाओ और आसपास जितनी पुलिस है उन्हें भी हटा दो वहाँ से। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। कैसा है? भागने का बहुत शौक है ना तुझे? आप भगाता हूं। मैं मर जाऊंगा साहब, मैं मर जाऊंगा। तुम तब तक नहीं मरोगे नंदू जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि नाग्या गैंग क्या क्या काम करता है, हमारे देश की सेनाओं के खुफिया कागजात दुश्मन देश तक किस तरह पहुंच जाते हैं, नाग्या गैंग का मालिक कौन है। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। जबान खुलवाने के और भी तरीके मुझे आते हैं नंदू, मगर मैं फिर भी तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। नजर रखना इस कमीने पर। एक दो तीन। अरे वाट लगा दी कैप्टन,
पांच माला क्रॉस करा दिया। कैप्टन जीत गया, कैप्टन जीत गया। हाय क्या स्टाइल है कैप्टन। मैं तो ही मैन हूँ। अरे इसी बात पे एक पार्टी दे दे यार। मगर मैं तो जीता हूँ, पार्टी तू दे। अरे यार जीतने की खुशी में एक पार्टी तो दे यार। तो मेरे पास तो 1, 10, 2, 10 और 3, 10 रुपया। अरे ये तो बहुत है यार। तो फिर चलो चल, कहाँ जाए? मैं बताता हूँ, चलो चलो। मजा आ गया यार कैप्टन, क्या आइसक्रीम है, ट्रिपल सैंडी, वाह। इस होटल की सैंडविच का अपना ही जलवा है यार। पर रसमलाई बड़ी सड़ी ली है यार, तू तो जब देख रोता ही रहता है। अच्छा मैं जा रहा हूँ। आज आ जा, हर वक्त देखो तो भाव खाते रहता है। हाँ हाँ चल चल, फुट फुट। ए चंदू मेरे को ना लॉलीपॉप खाना है। अरे जाड़िए अक्कल के दुश्मन, तू यहाँ हमारा बाप बनकर आया है। और हाँ तुझे अपना डायलॉग याद है ना? डायलॉग? हाँ, खाने में सब उस्ताद है, पढ़ाई में जीरो। करेक्ट है ना? पीटर बिल लेकर आ रहा है, अपना डायलॉग याद है ना? सर बिल। मैं देखता हूँ डैडी। 132। बेटो तुम डैडी के लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ। मगर कॉफी तो बहुत कड़वी होती है। हाँ मगर कॉफी अच्छी भी होती है। तुम लोग सब खाने में उस्ताद हो, पढ़ाई में जीरो। जी बच्चे तो खाएंगे पियेंगे, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। हाँ जाओ जाओ। शाबाश कैप्टन शाबाश। तूने मेरे को मारा काय को? मार तो आप पड़ेगी। काय को? बिल 132 रुपए का हो गया है, और काय को? अल्लाह क्या होगा। ए चल चल, मेरे पास तो 3, 10 रुपया है। अरे बिल उससे बहुत ज्यादा हो गया यार। अच्छा तू एक काम कर, मुझे जय भैया के ऑफिस का फोन नंबर दे, मैं उन्हें फोन करके अभी बुलाता हूँ। हाँ मगर मेरे पास तो नंबर भी नहीं है। फंस गए यार फंस गए। अच्छा तू एक काम कर, तू यहाँ धीरे धीरे आराम से बैठकर कॉफी पी, तब तक मैं जय भैया को बुला के लेकर आता हूँ। हाँ चंदू जल्दी आना, हम लोग को डर लगता है। हाँ हाँ ना? जो कॉफी सर। खाने में उस्ताद है, पढ़ाई में जीरो है। और कुछ लाऊं सर? जी कैप्टन, मुझे तो पट्टी आई है, मैं घर जाता हूँ। मुझे भी अपना लेसन पूरा करना है, मैं भी घर जाता हूँ। शायद आप अपना बिल देना भूल गए सर। हाँ ये लो 30 रुपए, लेकिन कॉफी का मिलाकर आपका टोटल बिल 140 रुपए का है सर। मगर मेरे पास तो इतने पैसे हैं। क्या क्या बात है जोसेफ? सर इनका टोटल बिल 140 रुपए और ये 30 रुपए दे रहे हैं। ए मिस्टर, सीधी तरह से पूरे पैसे निकालो, वरना दूसरे तरीके हमें भी आते हैं। मैं माता रानी की कसम खा के बोलता हूँ, मेरे पास इतने ही पैसे है। मेरे पास इतने ही पैसे। रामू जोसेफ पकड़ लो उस बदमाश को। अनिल तुम पुलिस को फोन करो। ए कौन है? ए कौन है? ए आलोक, तूने कोई मोटा आदमी देखा क्या? हाँ यार,
उसने अंदर से अभी दरवाजा बंद कर लिया और मेरे सारे अंडे भी फोड़ दिए। चल मैनेजर को लेके आते हैं। चलो। सर उसने शोरूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तुम शोरूम के बाहर जाकर खड़े रहो, वो कहीं भाग न जाए, पुलिस अभी आती ही होगी। ओके सर। मैनेजर भाई, इंस्पेक्टर साहब, उस बदमाश ने अपने आप को शोरूम में बंद कर रखा है। यू रस्कलो, मेरा भाई है शोरूम का। आइए सब इसी में। साफ साला जाली अंदर से दरवाजा नहीं खोलता है। शट योर बस्ट। चंदर, 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 चंदर बचाए, वो जाए। चंदर, चंदर दरवाजा खोल। चंदर, चंदर दरवाजा खोल। सुंदर बन जाए, वो डरने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। सुंदर, 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 ये सुंदर, 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 सुंदर जाए आ गया। सुंदर सब ठीक हो गया। सुंदर जाया गया। सुंदर, सुंदर, हे सुंदर डर मत। सुंदर, सुंदर, अरे क्या हो गया है मेरे भाई को? हाँ सुंदर, चल 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 डॉक्टर के पास चल से। सुंदर चल। जय डॉक्टर साहब, घबराने की तो कोई बात नहीं ना? जय मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में होना ही नहीं चाहिए था। इंजेक्शन तक नहीं लगाने दिया मुझे। खैर घबराने की कोई बात नहीं है, दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ जाने की वजह से इसे दौरा आया था। ये टेबलेट कंटिन्यू रखना। थैंक यू डॉक्टर साहब। दैट्स ऑल राइट। चंदर, भाई को डरा दिया था ना? अरे अरे अरे, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि माँ को गोभी के पराठे बहुत पसंद है? मुझे मालूम है। अच्छा माँ जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा कुछ खा लीजिए ना। मैंने बोल दिया ना, नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। जय, समझाना इसे कि मुझे तंग ना करे। एक तो वैसे इससे बहुत दुखी हूँ मैं। आज जाकर अपने आप को स्टोर रूम में बंद कर लिया, अगर कुछ हो जाता तो जब से पैदा हुआ है जान सांसद में डाल दी है। और नहीं तो क्या, कुछ करना। अच्छा माँ जी, ये बताइए, जब सुंदर भैया पैदा हुए थे तो क्या ऐसे ही मोटे थे? मोटा? हाँ नहीं रे, बिल्कुल नहीं। कहने को तो ये दोनों जुड़वे हैं, ये तो जैसे बड़ा भी है, लेकिन इतना सा पैदा हुआ था, बिल्कुल 2.5 pounds का। क्या बात करती हैं आप, सिर्फ 2.5 pounds के? सिर्फ 2.5 pounds का। पता है डॉक्टर ने तो जवाब भी दे दिया था। हाँ? लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मैंने क्या किया मालूम? हाँ? मैंने ना इसे छलनी में डाला। हाँ? और ले जाके पूजा के घर में भगवान के आगे रख दिया और एक तरफ आंच भी जला दी ताकि ये ठंडा ना पड़ जाए। एक तरफ आंच, एक तरफ भगवान और बीच में ये। मैं तो इतनी डरी हुई थी कि रात भर भगवान के आगे हाथ जोड़े बैठी रही। सुबह देखा तो क्या पता है? क्या पता बताइए। ये साहब आराम से हाथ पांव चला रहे थे। सच? ये तो कमाल हो गया। हाँ कमाल तो हो गया। क्या बात है। अच्छा माँ, ये बताइए इनका खाना कैसे होता था? अरे काहे का खाना बेटी, एक कटोरी में दूध गुनगुना करके उसमें रुई का फाया डाल के एक एक बूंद करके इसके मुंह में निचोड़ती थी। अच्छा फिर? ऐसे करके तो पाला है इसे। अच्छा माँ, पराठे में नमक तो ठीक है ना? हाँ नमक। माने खाना खा लिया, माने खाना खा लिया। चुप नालायक लड़की, तू तू मुझे बेवकूफ बनाएगी? मैं मारना नहीं उसको। चुप, सब पता है मुझे, तुम सब आपस में मिले हुए हो। इस घर में मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मैं ये घर ही छोड़ के चली जाऊंगी। घर कैसे छोड़ के जाओगी, मैं तो दरवाजा ही बंद कर लूंगा। जब तू रात को सो जाएगा ना, तब मैं चुपचाप उठ के चली जाऊंगी, फिर देखना। माँ जी, चुपचाप उठ कर चली जाओगी? Yeah.
मुझे लग गया। यहाँ क्यों सोया है बेटा? चल अंदर चल। मैं सो जाऊंगा तो फिर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो फिर मुझे खाना कौन खिलाएगा, मुझे दूध कौन पिलाएगा, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? अगला कहीं का तुझे छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ मैं? एक पल भी तेरे बगैर जी सकती हूँ क्या? तुम सचमुच मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? कभी नहीं बेटा। माता रानी की कसम। माता रानी की कसम। देखा देखा मुझे तो पता चल गया है, तुम तो मुझे ऐसे ही झुटमुट के डराती रहती हो। अरे अरे क्या कर रहा है, छोड़ करंट लग जाएगा। छोड़। तो फिर मुझे लोरी क्या कहते ना? अरे ये कोई वक्त है लोरी सुनाने का? चल सोने। अरे लोरी तो बच्चों को सुलाने के लिए होती है, इतना भी नहीं मालूम है क्या? छी सुंदर, अब देख मैं तुझे। तुम लोरी नहीं सुनाओगी तो मैं तो सोऊंगा भी नहीं। Thank you.
तुम्हें दिए गए मोहलत के 24 घंटे खत्म हो गए। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि मैंने मुजरिम से कुछ पूछा हो और उसने ना बताया हो। आ जाएगा हूँ पहाड़ के नीचे, आज तो इसका बाप भी बताएगा कि नागिया गैंग का मालिक कौन है। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ हरामजादे, कि नागिया गैंग का मालिक कौन है? नमस्ते जी। सकते सर इनमें से नकली नोट कौन सा था? तीसरा वाला? नहीं सर, सारे के सारे नकली थे सर। सारे के सारे नकली हैं। नहीं गुमान नहीं, दोबारा कभी जब तक आपके साथ मजाक मत करना। ड्राइंग ठीक है, टाई कब तक बन सकती है? 15-20 दिन तो लग जाएंगे सर। 10 दिन में मिलनी चाहिए। गेट आउट। तुमने हार्पर का नाम सुना है गुमान? मिस्टर हार्पर, दुनिया में ऐसा कौन सा दो नंबर का आदमी है जिसने मिस्टर हार्पर का नाम ना सुना हो? आज हार्पर का फोन आया था, उसे हमारी जहाजी सेना के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। माल कितना देगा, कुछ तय किया है? $20,00,000। $20,00,000 एडवांस? अरे भाई मुल्क बेच रहे हैं, कोई सस्ते में थोड़ी बेचेंगे। ये तो बस शुरुआत है गुमान। अगर हार्पर से हमारे ताल्लुकात बढ़ गए तो आगे हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। गुड इवनिंग सर। क्या बात है खन्ना, कुछ परेशान लगते हो? सर वो अपने नंदू की बहुत बुरी हालत है सर। ये इंस्पेक्टर जय कमबख्त बड़ा ही सख्त आदमी है, मुझे डर है सर कि वो उसका मुंह खुलवा कर ही मानेगा। अगर वो नंदू का मुंह खुलवा सकता है तो तुम नंदू का मुंह बंद करवा सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं सर। अबे खन्ना बात समझा कर, इशारों में बात समझा कर। समझ गया सर। समझ गया। सलाम साहब। काम सेन जी साहब, मेरे लिए एक चाय बोल के आओ। अच्छा सर।
खाओ आपकी चाय। मेरा एक जरूरी फोन आ गया है, मुझे काम से बाहर जाना है, चाय तुम पी लेना। अच्छा सर। सलाम साहब। नंदू क्या हाल है? टूट चुका है साहब, कभी भी जुबान खोल सकता है। ड्यूटी का ऑफिसर कौन था? खन्ना साहब। खन्ना सर, गलत इल्जाम है सर, कैदियों में अक्सर झगड़े तो हो ही करते हैं। बकते हो तुम, झूठ बोलते हो। सर उस वक्त तो आदमी ड्यूटी पर थे, मैं था साथ में, एक हवलदार था। हम दोनों की आंखों के सामने उन दो बदमाशों ने नन्नू की हत्या की और हम लोग कुछ नहीं कर पाए सिर्फ इसलिए कि ये साहब लाकोब को ताला मारकर चाबी अपने साथ ले गए थे। चाबी वहीं नीचे गिरी हुई थी सर, जल्दी में शायद इन लोगों को दिखाई नहीं दी। अच्छा ठीक है ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, आप उन दो बदमाशों को यहां बुलवाइए, मैं सच बुलवाता हूं। उन लोगों को तो कल ही छोड़ दिया गया था सर। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ जिसने रिपोर्ट लिखवाई थी उसने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली। कह रहा तुम इंस्पेक्टर खन्ना, गद्दार हो गए हो तुम, कोई अच्छी तुम्हें वर्दी पहन लेगा। जय तुम हद से गुजर रहे हो। काश मैं हद से गुजर सकता सर, तो मैं इंस्पेक्टर खन्ना को जेल की सलाखों के पीछे ढकेल के इससे वही राज उगलवाता जो मैं नंदू से उगलवाना चाहता था। आप बिना सबूत मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर जय, और मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं। वरना सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तो सर नंदू की मौत उस बात से हुई जो इन्होंने इंस्पेक्टर जय ने उसका मुंह खुलवाने के लिए मारी थी। और तुम्हारे खिलाफ मैं एक्शन ले सकता हूं समझे? उसके साथ हाथापाई क्यों की तुमने? उस पर इतने सारे इल्जाम किस बिना पर लगाए तुमने? तुम्हारे पास क्या सबूत है? जिस दिन सच को सबूत की जरूरत पड़ती है उसी दिन तो झूठ जीत जाया करता है सर। शट अप, ये पुलिस डिपार्टमेंट है, यह कविता नहीं चलती, कानून चलता है। जाओ अपना काम देखो। हेलो। हेलो, कैन आई टॉक टू इंस्पेक्टर जय प्लीज? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि तुम ऑफिस में फोन मत किया करो, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? हेलो। अच्छा आई एम सॉरी, मेरा मूड खराब था। बोला ना मूड खराब था, सुना नहीं क्या? तू मेरा
बसी मुझको तो करनी है अब तेरी बंदगी सांसों की सरगम में सिर्फ तू है बसी मुझको तो करनी है अब तेरी बंदगी कोई गम आए सनम साथ छोड़े ना हम चाहत की राहों में हाथ छोड़े ना हम हर घड़ी हर पहल तेरे संग बीते उमर मेरा साज तू आवाज तू बस तू ही तो मेरा सहारा बिन तेरे कुछ भी नहीं है जीवन मेरा बिन तेरे कुछ भी नहीं है जीवन मेरा तू ही मेरी रात सनम तू मेरा सवेरा तू ही मेरी रात सनम तू मेरा सवेरा अब तू है मेरी खुशी मेरा प्यार तू इकरार तू लगे तू मुझे जान से प्यारा बिन तेरे कुछ भी नहीं है जीवन मेरा बिन तेरे कुछ भी नहीं है जीवन मेरा तू ही मेरी रात सनम तू मेरा सवेरा तू ही मेरी रात सनम तू मेरा सवेरा ए चंदू तू स्कूल नहीं गया क्या करूं यार फंस गया क्या हुआ प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अपनी डैडी को साथ मिलाओ काय को मेरी शिकायत करने को और काय को हाय ला फिर क्या करूं यार ठीक कैप्टन तू एक दिन के लिए मेरा बाप बन जाना चल साला मैं तो तेरा दोस्त हूं तेरा बाप थोड़ी हूं क्या यार दोस्ती में इतना भी नहीं कर सकता मैं क्या करूं अगर प्रिंसिपल साहब मेरी शिकायत करे तो तू मेरे बाप का एक डायलॉग मार देना बोलना क्या फिक्र मत कीजिए मैं उसे जान से मार डालूंगा चलो चल कम इन रस्तोगी यस मिस्टर रस्तोगी कम इन हैव ए सिट सॉरी मिस्टर रस्तोगी मैंने आपको तकलीफ दी लेकिन क्या करूं आपका बच्चा कुछ ज्यादा ही बिगड़ रहा है आप फिक्र मत कीजिए मैं उसे जान से मार डालूंगा नहीं नहीं इतनी बड़ी बात नहीं है दरअसल डिसिप्लिन की कीमत तो आप समझते ही होंगे ना यही एक ऐसी चीज है जिससे हमारा समाज उन्नति करता है और आपका बेटा रोज स्कूल में लेट आता है आप फिक्र मत कीजिए मैं उसे जान से मार डालूंगा
नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मिस्टर रस्तोगी, आप मेरी बात सुनिए। हम टीचर बच्चों के साथ कुछ ही घंटे स्कूल में साथ में रहते हैं और बाकी ज्यादातर बच्चे घर में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। आप उनको ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, तो बच्चों के चरित्र पर माँ बाप के चरित्र का ज्यादा असर पड़ता है। मिस्टर रस्तोगी लिसन टू मी, एक बच्चे ने स्कूल में शिकायत कर दी कि उसका कंपास बॉक्स खो गया है। वो कंपास बॉक्स आपके बच्चे के स्कूल बैग में से मिला। मैंने आपके बच्चे को पूछा कि तुम्हारे बैग में ये कंपास बॉक्स कैसे आ गया, तो आपके बच्चे ने जवाब दिया कहीं से उड़कर आ गया होगा। ये कोई जवाब है? क्या करेंगे ऐसे बच्चे के आप? आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसे जान से मार डालूंगा। ओफो, मैं जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। क्या आप एक की एक बात बोले जा रहे हैं? मैं उसके भले की सोच रहा हूं कि हमें उसे एक अच्छा नागरिक बनाना है, और आप है कि जान से मारने पर तुले हुए। आपको उसके भविष्य की कोई चिंता नहीं होती? आप उसके बाप है कि क्या है? मैं उसका बाप थोड़ी हूँ, मैं तो उसका दोस्त हूँ। ये चश्मा उसके बाप का है, मेरा नाम तो सुंदर है। सुंदर? हाँ, मेरे दोस्त लोग हैं ना, मुझको ना कैप्टन कहते हैं। ओह, आई सी। कैप्टन साहब, अब आप जा सकते हैं। रोज नए कारनामे सीखे जा रहे हैं, आज स्कूल जा पहुंचे चंदू के बाप बनकर। तो मैं थोड़ी गया था, मेरे को चंदू ने बोला था कि चल। मेरे को इतनी जोर से भूख लगी है, कोई दूध भी नहीं देता। खुद ही लेने जाके बाप बनना आता है, दूध लेना नहीं आता? तो आता है ना, दूध भी ले लूंगा, गरम भी कर लूंगा और हल्दी भी डाल लूंगा, जले ले 4 चम्मच, और फिर सुपरमैन बन जाऊंगा। चलो दूध गरम करो। अरे सारा का सारा दूध गिर गया। अरे कैसे गिरा दिया दूध तू? नहीं गिराया। चलो माचिस जलाओ। ये तो जलता भी नहीं। चलो जल जाओ, जल जाओ, जल जाओ, जल जाओ। शिट, ये सब कैसे हो गया? मेरी गलती है, मैंने तुझे क्यों बोला? नहीं नहीं, तू रो मत, चल मैं तुझे दवाई लगा देती हूँ। चल उठ उठ बेटा, ठीक हो जाएगा। बहुत दुखता है माँ, बहुत दुखता है। आग ऐसी ही होती है बेटे, थोड़ी सी छू जाए बहुत जलता है। हाँ माँ, बहुत जलता, बहुत जलता। आग बहुत खराब चीज होती है ना माँ। अब मैं आग के पास कभी नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाँ बेटे, चल अब आग बंद करके सोचा, नींद आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। मगर नींद आती नहीं है ना माँ, बहुत दुखता है। आ जाएगी बेटा, कोशिश तो कर, आंख बंद कर। राज दुलारा तू मेरी आंख का तारा, मेरे लाल तू है मुझे जान से प्यारा। राज दुलारा तू मेरी आंख का तारा, मेरे लाल तू है मुझे जान से प्यारा।
हुजूर, इलेक्शन सर पे आ गया है और वोटर्स लोगों का ये हाल है कि सबके सब अपने वोट पंडन को देंगे। जरा नमक देना जी। हुजूर, 1.5 लाख वोटों में से अशोक नगर के सिर्फ 25,000 वोट मुझे मिलेंगे, बाकी सबके सब टंडन को जाएंगे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। आग लगा दो सालों के घरों को, फिर वोट देने कोई नहीं जाएगा। कमाल करते हैं आप। अजी ऐसा भी कभी होता है क्या? आग लगा दो, बात करते हैं। गुमान ठीक कह रहा है मिश्रा। हुजूर, हाँ आग लगाओ, लेकिन टंडन के इलाके में नहीं। तो फिर किसके इलाके में? तुम्हारे इलाके में। कौन सा इलाका है तुम्हारा? अशोक नगर। हाँ अशोक नगर में। हुजूर आप तो मेरी जमानत जब्त करवा देंगे। नहीं मिश्रा नहीं, अगर तुम्हारे इलाके में आग लगी तो यह काम किसका कहलाएगा? किसका? तुम्हारे विरोधी नेता टंडन का, और फिर उसके 1.25 लाख वोटर्स किससे नफरत करेंगे? किसे? टंडन से। और अगर टंडन से नफरत करेंगे तो अपना कीमती वोट किसको देंगे? मुझे। राइट, यानी कि 25,000 खोकर 1.25 लाख का फायदा। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है मिश्रा। हुजूर आप तो कमाल है। आज की ताजा खबर अशोक नगर में भयंकर अग्निकांड। विपक्ष नेता मिश्रा का कहना कि आप डीएस टंडन ने लगवाई। डीएस टंडन मुर्दाबाद, डीएस टंडन मुर्दाबाद, डीएस टंडन मुर्दाबाद, डीएस टंडन मुर्दाबाद। खून के बदले खून, आग के बदले आग, डीएस टंडन मुर्दाबाद। अरे ये क्या बकवास है? अरे अरे क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? मैं भी देखता हूं इन लोगों को। आप मेरी कसम। घबराओ नहीं। आग के बदले खून के बदले आग के बदले। चार कानून हाथ में लेते हैं। पकड़ लीजिए मैडम उनको। पुलिस है, आप लोग अंदर जाओ, मैं देखता हूं। चल टंडन साहब नमस्ते। ये जो कुछ भी हो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे आपसे 2 मिनट प्राइवेट बात करनी है। आइए। थैंक यू। हे दो कांस्टेबल खड़े करना इधर। हाँ आइए। I really feel very sorry for all this, sir. बैठिए। Thank you. टंडन साहब, लोग लाख कहें मगर मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं कि अशोक नगर में लगी आग के पीछे आपका हाथ है। और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं असली गुनहगारों को पता लगाऊं। अगर पता लग भी गया तो आप क्या बिगाड़ लोगे उनका? क्या मतलब? मतलब ये कि वो बहुत बड़े और ताकतवर लोग हैं, कानून और राजनीति ये दोनों उनकी जेब में पलते हैं। यानी कि आप जानते हैं उन लोगों को? अच्छी तरह जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि उनका मालिक कौन है। टंडन साहब, आपको अपनी नेकी और अपने आदर्शों की कसम, मुझे उसका नाम बताइए प्लीज। सुनकर तो यकीन नहीं करोगे, फिर भी बता देता हूं, उसका नाम है जगताप सिंह। व्हाट यू मीन? जगताप कंप्यूटर्स, जगताप शिपिंग कॉरपोरेशन, जगताप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक कुंवर जगताप सिंह। थैंक यू सर। नमस्कार निर्मल बाबू उर्फ एकांत प्रिय पत्रकार। ओ इंस्पेक्टर जय, घोड़े पे सवार। बोल चाय पिएगा? नहीं चाय वाय नहीं, आज जरा तुझसे खास बात करनी है। अच्छा चल।
हाँ बोल, क्या बात है? देख यार, मैं तुझे पहले ही बता दूं, इस काम में खतरा भी है। यार अगर हम खतरों से डरते ना तो ना तू पुलिस में होता ना मैं अखबार में। बोल बात क्या है? एक जाल फेंकना है प्यारे, अगर हमारा जाल सही पड़ गया तो देश का एक बहुत बड़ा दुश्मन और उसका सारा गिरो हमारे हाथ लग जाएगा। तुझे खबर छापनी होगी, तेरी खबर पढ़ते ही वो गद्दार बौखलाकर या तो तुझे डराने की कोशिश करेगा या फिर तुझे खरीदने के लिए अपने किसी आदमी को तेरे पास भेजेगा। राइट। उसका एक खास आदमी अगर हमारे हाथ लग गया तो उस छोटी मछली को चारा बनाकर हम बड़ी मछली को आसानी से पकड़ लेंगे। नहीं मगर ये बड़ी मछली है कौन? कुंवर जगताप सिंह। कुंवर जगताप सिंह? डोंट टेल मी यार, दैट बिग बिजनेस टाइकून। एक्साइटिंग यार, जल्दी बोल क्या छापना है। कम ऑन टेल मी। लिख। बोल। इस संवाददाता को विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है कि नागिया गैंग का मालिक कौन है। ये वही आदमी है जिसने पुलिस लॉकअप में नंदू नाम के आदमी की हत्या करवाई थी। इतना ही नहीं बल्कि इस बेरहम ने अशोक नगर में आग लगवाकर अनगिनत लोगों को जलाकर राख कर दिया। फिलहाल आप इतना जान लें कि वो शहर का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है। इसके अलावा कई मिलों और एक बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक है। उस सफेद पोश आदमी के काले कारनामों के बारे में हम कल के अखबार में और छापेंगे। इस साले को ये सब कैसे पता चला? रिपोर्टर का नाम क्या लिखा है? निर्मल सूद। निर्मल सूद। हेलो, निर्मल सूद हियर। तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है। ओहो रामजनक जी। रामजनक? नहीं नहीं, मेरा नाम गुमान सिंह है। हाँ 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 हाँ, परसों हम पार्टी में मिले थे। अरे मैंने तो आपको आपके घर छोड़ा था पेडर रोड पर। पेडर रोड? पेडर रोड पर रहता होगा तू, तेरा पूरा खानदान। मैं जुहू पार्ले में रहता हूँ। अपना नाम और पता क्यों बता रहे हो गुमान? देखो नागिया गैंग के मालिक के बारे में तुम कुछ नहीं लिखोगे, क्या समझे? अभी तक तो कुछ भी नहीं समझा। हाँ अगर ये पता चले कि इसमें मेरा अपना कितना फायदा है तो शायद समझ जाऊं। तुम बोलो कितना भेजो। भेज दीजिए 2 किलो। ठीक है, आधे घंटे में 2 लाख रुपए तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अभी? नहीं नहीं अभी नहीं, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। आप शाम 7:30 बजे के बाद भेज दीजिए। गांडा चालाकी कर रहा है, रुपया मिले तो आदमी बाहर जाना कैंसिल कर देता है मगर ये साला वक्त चाहता है। गुमान अपने आदमी लेकर मत जाना, बाहर से आदमी उठाना और उनसे कहना कि अगर कोई गड़बड़ दिखाई दे तो उस लौंडे को उड़ा दे और जो रुपया है ना उसे बख्शीश समझ के रख ले। यानी कि मछली ने चारा निकल लिया, मैं ठीक 7:15 बजे तुम्हारे घर पहुंचता हूं। लिसन निर्मल, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। गुमान सिंह? अच्छा तो आप हैं गुमान सिंह जी, मगर आप तो 7:30 बजे आने वाले थे, इतने जल्दी कैसे आ गए? तुम भी तो 7:30 बजे यहाँ पहुँचने वाले थे। तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? जी वो माल 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 की कशिश खींच लाई सर जी, पूरे 2 लाख है सर, गिन के लूंगा मैं। अब ये बताओ कि तुम क्या जानते हो नागिया गैंग और उसके मालिक के बारे में? जगताप जी के बारे में जानता था सर, अभी कुछ नहीं जानता। गिन लो।
बताइए। जी मैं निर्मल का दोस्त हूँ। मैं निर्मल का चाचा हूँ, बनारस से आया हूँ। पर बेटा निर्मल तो घर में नहीं है। नहीं है? नहीं, मगर उसी ने तो वक्त दिया था मुझे। एक अचानक जरूरी फोन आ गया था बेटा, अभी अभी तो गया है वो बाहर। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाथरूम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। शुक्रिया। ई मझला है, ई छोटा भाई है, बंबई घूमने आए हैं। ने अपना नाम नहीं बताया, रात को निर्मल लौटेगा तो उसको क्या बताऊंगा? आप उसे कहिएगा कि जय आया था। वैसे फोन करके मैं उसके ऑफिस में मैसेज छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। गुमान सिंह जुबिले पार्लर स्कीम। लगता कोई फोन नहीं उठा रहा। एनीवेज, तकलीफ दी आपको, माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं। शरीफ आदमियों को डिस्टर्ब करने का, आप
गूंगा बहरा है क्या? बोलता क्यों नहीं? भगवान साहब, अब उनको आपको एक चीज मिला है, वो उधर कब्रिस्तान के पीछे आपको वापिस करने को आया है। मेरी मेरी चीज क्या? आओ मेरे पीछे आओ, पता था है। दिमाग खराब है तुम्हारा? इस लाश से मेरा क्या मतलब है? अब मतलब क्या आप क्या बोलेगा साहब? इस लाश की जेब में से एक पर्चा निकला, उसमें लिखा था गुमान सिंह जो विले पार्ले स्कीम, इसलिए अपनी लाश को यहां लेके आया। अब तुम बोलते क्या मतलब है तो ठीक है, अपन ये लाश जाके पुलिस में दे देता है, अपने क्या है? सुनो, चाहते क्या हो तुम? एक ही अलग काम का बात साहब, अपना तो खानदानी पेशा है कब्र खोदने का, इस लाश को खोद के इतना नीचे गाड़ेगा कि पुलिस तो क्या, इसका खुद का रूबी इसको ढूंढेगा ना तो बॉडी नहीं मिलेगा। मतलब की बात करो, कितना पैसा लोगे? कुछ भी सोच समझ के दे देना साहब, सलाम मार के चला जाएगा, बस मामला इधर ही फिनिश। क्या चक्कर क्या था साहब? कोई सगा वाला या रिश्तेदार था क्या? कोई जायदाद भी दर्द पड़ा? अरे नहीं, होशियारी कर रहा था, हम सबको गिरफ्तार करवाने के लिए निकला था, कुछ साला कुत्ते की मौत मारा गया। मर तो गया हरामजादे, मगर मरते मरते भी तुझे गिरफ्तार करवा गया। बस करो। बोल, मेरे रिपोर्टर दोस्त ने मलसूद की मौत, नंदू की मौत और अशोक नगर के अग्निकांड के पीछे किसका हाथ था? मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम ना? मुझे मालूम है। मैं जानता हूं कि इन तमाम वारदातों के पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ है, कुंवर जगताप सिंह। इतनी हिम्मत उसकी, इतनी गुमान पर हाथ डाला उसने, गोया के खुद जगताप पे डाला है। गुमान मेरा दाया हाथ ही नहीं, मेरा वजूद, मेरी शख्सियत है। कोई उसके गले में फंदा डाल दे तो जान मेरी मेरी निकल जाएगी। आप बेकार परेशान हो रहे हैं जगताप जी। सुबह कोर्ट खुलते ही सबसे पहले मैं जमानत के कागजात तैयार करवा लूंगा और फिर 10 बजे तक गुमान सिंह जी को लॉकअप से छुड़वा कर यहाँ ले आऊंगा। आफ्टर ऑल गुमान सिंह जी के खिलाफ सबूत क्या इंस्पेक्टर के पास? गुमान खुद सबूत है मेरे खिलाफ, जगताप के खिलाफ। मेरे कारोबार के सारे कागजात, सारे राज है गुमान के पास, जानते हो? जी क्या? मुझे गुमान चाहिए जल्द से जल्द और सही सलामत चाहिए। जी बिल्कुल कुछ नहीं, गो एंड गेट हिम, यू अंडरस्टैंड? आउट। मैं कोर्ट से इनकी जमानत लेकर रिहाई का ऑर्डर लेके आया हूं, आप फौरन इन्हें छोड़ दें वरना मैं आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर दूंगा पुलिस डिपार्टमेंट के जुर्म और उनकी मनमानी को लेकर। चलिए छोड़िए इन्हें और ये लीजिए पेपर्स। अच्छी तरह देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सब कायदे के पेपर्स हैं। आपने एक वकील की मौजूदगी में एक बाइज्जत शहरी पर एसॉल्ट किया है, मेरी गवाही पे जेल हो सकती है आपको। आइए गुमान सिंह जी। स्टॉप। गुमान तुम्हारे साथ नहीं, गुमान मेरे साथ जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? सबूत और गवाह चाहिए ना तुम्हारे कानून को वकील? इस रजिस्टर में गुमान की साइन इस बात का सबूत है कि तुम गुमान को यहां से सही सलामत ले गए, और यहां पर मौजूद पुलिस डिपार्टमेंट का हर आदमी यही गवाही देगा कि जनाब वकील साहब गुमान को जमानत पर छुड़ाकर पुलिस स्टेशन से सही सलामत ले गए। फेंक दो ये काला कोट उतार के,
और अपना मुंह काला करो कहीं जाके। मैंने तुम्हें खास तौर से बताया था कि गुमान मेरे लिए कितना जरूरी है, फिर भी तुमने उसे हाथ से निकल जाने दिया। वकील हो तुम, घसियारे हो घसियारे, घास काटो कहीं जाके तुम। हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात, कहने का मतलब यह है कि बात बढ़ने से पहले ही दबा देनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि दुनिया में हर चीज की कोई कीमत होती है। 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितना भी रुपया खर्चो, मुझे किसी भी कीमत पे गुमान चाहिए। मिस्टर हार्पर को जो खुफिया कागजात भेजने, वो सारे के सारे गुमान के पास है, जानते हो? आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल अभी आपके सामने सारा मामला तय किए देता हूं। हाँ। लीजिए। हेलो जी, जय साहब हैं? जी नहीं, जय घर पे नहीं है, आप कौन? जी मैं आपका अपना सा सेवक बोल रहा हूँ, जनता का सेवक मिश्रा। कब तक आ जाएंगे? जी कुछ पता नहीं, कोई खास काम? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात तो नहीं थी, मैं बाद में फोन कर लूंगा। आपको कष्ट दिया, माफी चाहता हूं। थोड़ा सा धीरज रखिए, काम तो समझिए कि 100% ही अपना हो ही जाएगा, लेकिन 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 आदमी की सही पहचान यही होती है कि संकट के समय में वो अपने मन को कितना शांत रख सकता है। काम हो जाएगा, हो जाएगा। अजी मैं आपका वही सेवक बोल रहा हूं, मिश्रा, नौवीं बार फोन कर रहा हूं। लेकिन जी तो अभी तक आया नहीं। क्या अभी तक आए नहीं? आखिर गए कहां? लब पे साथिया दिल की बात है।
बन गई मोती जुल्फ की शबनम होश उड़ाई शबनमी मौसम ओ बन गई मोती जुल्फ की शबनम होश उड़ाई शबनमी मौसम अपने दिल पे चल गया जादू मन मेरे लिए ही तो है चंचल चांदनी महकी रात है लब पे साथिया दिल की बात है वन टू एंड फोर मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है टॉमी अभी पीछे चल हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी देखा अभी तो मैंने पूरा का पूरा पोएट्री भी गा के सुना दिया मैंने ना सामने वाली दुकान पे ना सुपरमैन का ड्रेस देखा जय मेरे को लेके दे ना तू ऐसे ही पढ़ाई करेगा नई नई कविताएं गा के सुनाएगा तो तू जो भी कहेगा ना मैं तुझे ला के दूंगा फिर मैं सुपरमैन बन जाऊंगा तू बैठो मैं देखता हेलो जी जय साहब अभी तक आए कि नहीं जी मैं जनता का सेवक मिश्रा बोल रहा हूं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं भक्तू आपका 23 बार फोन कर चुका हूं हाँ मगर मतलब की बात आपने अभी तक नहीं की अगर आप साक्षात मिलते तो ठीक है आप अपना एड्रेस बताइए 124 अनुपमा काटर रोड बांद्रा ठीक है पहुंचता हूं आइए 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 जैसा आइए मैं तो कहता हूं कि आप जैसे अफसर पुलिस में थोड़े से और हो जाएं तो इस देश का नक्शा ही बदल जाए नहीं वैसे आप जैसे नेता भी थोड़े कम हो जाएं तो भी नक्शा सुधर सकता है इस देश का बहुत मजाक कर लेते हैं आप भी गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर जय मैं इस मुस्कुराहट की वजह जान सकता हूं मैं ये सोचता था कि तुम जैसा आदमी जो इस मुल्क को तबाह करने का और बेचने का दावा करता है काफी समझदार होगा मगर तुम तो बड़े ही बेवकूफ निकले जगदा मैंने तो पेपर में रिपोर्ट छपवा कर सिर्फ एक जाल फेंका था तुम्हें खबर सुनकर चुप रहना चाहिए था मगर मेरे रिपोर्टर दोस्त निर्मल सूद की हत्या करके तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया कि नागिया गैंग के मालिक तुम हो और तुम्हारी बदकिस्मती है कि गुमान मेरे हाथ लगा मगर जैसा क्या आई एम टॉकिंग टू हिम मैं अपनी इस गलती की तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं तुम समझते हो कि जिस तरह से रुपयों के लिए तुम अपना धर्म ईमान और मुल्क बेच सकते हो हर कोई बेच सकता है जगताप तुम्हें अपनी हर गलती का हर जाना अब फांसी के फंदे पर लटक कर ही देना होगा मेरे ही घर में खड़ा होकर मुझे धमकी देता है मेरा एक इशारा हुआ के नहीं जगताप नहीं ये धमकी नहीं हकीकत है तुमने वो राक्षस की कहानी तो सुनी होगी जिसकी जान तोते में थी आज तुम वो राक्षस हो और तुम्हारी जान गुमान नाम के तोते में जो कि मेरी मुट्ठी में है आज तुम मेरा कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि गुमान मेरे कब्जे में है और कल इसलिए नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि गुमान खुद तुम्हारे खिलाफ गवाही देकर तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा चुका होगा अभी मैं चलता हूं क्योंकि गुमान के खाने का और मार खाने का दोनों का ही वक्त हो गया हुजूर ये तो कुछ ज्यादा ही बकरा शट अप बकता नहीं वो सच बोल रहा है मैं सराम जादे को कुत्ते से भी बदतर मौत दूंगा मुझे सिर्फ यह पता लग जाए कि गुमान कहां है पानी पानी मुझे पानी दो एक बूंद पानी के लिए इतना तड़प रहे हो सोचो मेरा दोस्त निर्मल एक सांस हवा के लिए कितना तड़पा होगा मैं मर जाऊंगा
मैं मर जाऊंगा। नहीं गुमान, नहीं, तुम्हारा जीना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें कोर्ट में जाकर जगताप के खिलाफ सबूत और बयान देने हैं। नहीं, इनकार करने का कोई फायदा नहीं होगा, जितनी जल्दी हाँ कर दोगे उतनी ही जल्दी छूट जाओगे इस नर्क से तुम। वरना इतना बता दूं कि जगताप और उसके सारे आदमी सात जन्म तक भी इस जगह को ढूंढने गए तो ढूंढ नहीं पाएंगे, समझे? हेलो, तुम्हारी घड़ी में अभी वक्त क्या हुआ है सुपरिंटेंडेंट? कौन बदतमीज बोल रहा है? बदतमीजी तो मैं अब शुरू कर रहा हूं। वक्त क्या हुआ है सुपरिंटेंडेंट? 10 बजे। अभी 10 नहीं बजे, 10:15 बाकी है। तो वो कुछ नहीं, अब जरा अपनी खिड़की पे जाकर देखो। खिड़की में देखो? क्या मौका सही? 11, 10, 9, अब सिर्फ 9 सेकंड रह गए, जल्दी करो रन। हेलो, क्या हो रहा है? What the hell is this? ये तो सिर्फ एक नमूना था, सैंपल। असली धमाका ठीक 11:15 होगा गांधी हॉस्पिटल में। कौन हो तुम? अपने लाडले इंस्पेक्टर जय से पूछ लो, वो जानता है। चाहते क्या हो तुम? ये भी वो जानता है, तुम्हारा इंस्पेक्टर जय। क्या कहा उसने? वो कहता है कि तुम उसे जानते हो। और क्या कहा उसने? और ये कहा कि 11:15 ठीक इसी तरह का बम गांधी हॉस्पिटल में फटेगा। बोलो। यशपुर सर, इंस्पेक्टर प्रताप। यस सर। बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो फौरन, 11:15 से पहले पहले गांधी हॉस्पिटल पहुंचे किसी भी तरह। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? फोन करो तुम। फोन एंगेज्ड है सर। हॉस्पिटल में बम है, जल्दी से खाली कीजिए, जल्दी। हाँ, मूव फास्ट। मैं ऊपर जाता हूँ, चलो। अरे अस्पताल में बम है, भागो यहाँ से सब लोग। अरे अस्पताल में बम है, भागो यहाँ से, जल्दी। अरे अस्पताल में बम है, भागो यहाँ से, चलो। कम ऑन डॉक्टर्स, देयर इज अ बम इन द हॉस्पिटल, कम ऑन, मूव फास्ट, कम ऑन फास्ट। Thank you.
माता दी। हेलो। इस बार तो किस्मत तुम्हारा साथ देगी सुपरिटेंडेंट, लेकिन और कितनी बार देगी? कहां कहां भागते फिरोगे तुम? अरे इतना बड़ा शहर है, सैकड़ों अस्पताल, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, स्कूल। अरे हाँ, स्कूल से एक बात याद आई, ठीक पौने घंटे में एक बम और फटने वाला है, आनंद ब्लाइंड स्कूल। देखो देखो तुम। हाँ, आनंद ब्लाइंड स्कूल सुपरिंटेंडेंट, ठीक 11:30 बजे। रन रन, मूव योर एस। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर प्रतिधारी बने। सर मैं देखता हूं। हेलो। अगला बम ठीक 12:30 बजे बच्चों के कॉन्वेंट स्कूल में। नहीं जगदाप, नहीं, बस करो, बंद करो ये बेगुनाहों के खून का खेल, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। अरे इंस्पेक्टर जय, ये आखिरी बात तुमने क्या कही जरा फिर से तो कहना ना। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। हाथ जोड़ता हूं? लेकिन तुम तो मुझे फांसी पर लटकाने वाले थे। वो मेरी गलती थी, भूल थी मेरी वो, मैं अपनी गलती मानता हूं जगताप। चलो कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब तुम खुद गुमान को लाकर मेरे हवाले करोगे। अंडरस्टैंड? लेकिन उसके बाद कोई बेगुनाह मारा नहीं जाएगा, कहीं बम नहीं फटेगा। अगर तुम 12:30 बजे से पहले गुमान को लेकर चाइना क्रीक पर आ जाओगे अकेले तो नहीं फटेगा। मुझे मुझे थोड़ी देरी भी लग सकती है जगताप। फिर तो बहुत देर हो जाएगी, बेहतर यही होगा कि तुम अपना वक्त बर्बाद ना करो, भागो। Hey, son of a bitch. हाथ मत
लगाना मेरी वर्दी को। ठीक है, नहीं लगाते, लेकिन आज के बाद तुम भी इस वर्दी को हाथ नहीं लगाओगे। हाँ, और अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इस वर्दी में पाया तो फिर सोच कर देखो, बम से झुलसे हुए छोटे छोटे मासूम बच्चों की सिसकियां, खून से लथपथ उनकी लाशें अच्छी नहीं लगेंगी ना? हाँ, अच्छी नहीं लगेंगी। जाओ जाओ। मैं सरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत तड़पाया है इसको। रुमान, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है मुझे उसने। रुमान, पहले इसकी वर्दी तो उतर जाने दो। ठीक है, तुम इस्तीफा ही देना चाहते हो तो दे दो, अगर खुद को बर्बाद ही करना चाहते हो तो कर डालो। तुम इस्तीफा देने से रोकने का मुझे कोई हक नहीं है जय, लेकिन इस सारी तबाही के पीछे किसका हाथ है यह तुमसे पूछने का मुझे पूरा पूरा हक है। है सर, आपको सब कुछ जानने का पूरा पूरा हक है, मगर मैं खुद बताने का हक खो चुका हूं। सोचता था उस दरिंदे के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा, मगर मैं बहुत बुरी तरह हार गया सर। जाए तुम सर, मैं अकेला तो नहीं हूं इस दुनिया में जो अपने भाई को जान से ज्यादा प्यार करता हो। आज अंधों के स्कूल में जो लोग मारे गए या जख्मी हुए, आखिर वो भी तो किसी के भाई होंगे। अपनी ईमानदारी की इतनी बड़ी सजा मैं दूसरों को नहीं दे सकता सर। इस तबाही के पीछे किसका हाथ है मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। I'm sorry सर, माफ कर दीजिएगा मुझे। मां, मां आ गया। मां मेरे को 20 पतंग लेना है, मेरे को 4-10 रुपया देना। मेरे पास नहीं है, जय आएगा तो उससे ले लेना। तो जय तो नहीं है ना? पर आ जाएगा ना? नहीं, मेरे को अभी नहीं है मेरे पास। सुंदर, देख सुंदर ऐसी हरकत करेगा तो मैं मारूंगी। सुंदर नहीं, सुंदर देख गुदगुदी करेगा तो मैं तुझे बात मारूंगी। छोड़, बैठा देना। जय आ गया, अभी तो मैं जय से ही पैसा लूंगा, तेरे से तो भी नहीं लूंगा। जय आ गया, जय आ गया। जय मेरे को पैसा दे ना। क्या मेरे को पैसा दे ना, मेरे को पतंग लेना है। बाद में लेना। बाद में नहीं, मेरे को अभी पैसा चाहिए। 4-10 रुपया, 1, 2 and 4, 10 रुपया। मेरे को पैसा देना नहीं तो मैं तेरे को मारूंगा। शराब! जब तेरे को पैसा चाहिए, जब तेरे को पैसा चाहिए, पैसे का पेड़ भोगते जो तोड़ के लाके तुम्हें दूं। खुद काम करो, खुद कमाओ, समझे? बिल्कुल। अंकल, मेरे को ना काम मांगता है। क्या? अरे उल्टा सबको यहां से निकाला जा रहा है।
फालतू भेजा मत खाओ, चलो चलो चलो। शाम होने को आई, कुछ तो खा लीजिए माँ जी। अरे मेरा बच्चा सुबह से भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा, और फिर उसे तो हर घंटे में कुछ न कुछ खाने की आदत है। आ जाएंगे माँ जी, आपकी छोटे बेटे सुंदर भैया को ढूंढने गए हैं, बस आते ही होंगे। आप अंदर आइए, आइए। क्या है? मेरे को ना काम करना है। क्या काम जानते हो? मैं तो सब कर सकता हूँ, मैं हीमैन हूँ, मैं सुपरमैन भी हूँ। हाँ जू, और बताओ जू। गुड, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा करते हो अंकल। मेरे को ना बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? हाँ। खिलाएंगे आ बेटा, जरूर खिलाएंगे। लेकिन तुम कुत्ते बन सकते हो? कुत्ता? हाँ, हाँ। फिर बाद में आप मेरे को काम देंगे? हाँ हाँ काम देंगे, लेकिन तुम भौंकर तो दिखाओ। वो 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 तुमने मेरे को बोला था ना, तुमने मेरे को बोला था ना काम करने को। अभी अंकल ने मेरे को बोला है कि कुत्ता बन के दिखाओ, भौंक के बताओ, फिर सांप बन के बताओ। मैंने अंकल को अभी बताया, अभी अंकल मेरे को काम देंगे, मैं तो तुमसे पैसा भी ले लूंगा। चला गया तेरे माँ, मेरे को बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी खिलाती हूँ तुझे, तू भी चल बेटा। माँ की उम्र भी तुझे लग जाए मेरे बेटे, भगवान हर किसी को तुझ जैसा भाई दे। जय, जय, ये तुम्हें क्या हो गया जय? ये तुम नहीं समझा शर्मिला। मैं सब समझती हूँ जय, मुसीबत का जो पहाड़ तुम पर टूट पड़ा है, अगर ऐसे में तुम्हें गुस्सा आ गया तो इसमें क्या गजब हो गया जय? गजब? गजब और कैसा होता? मेरा वो भाई जिसे मैं जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ,
आज मैंने उसे कुत्ते की तरह भौंकते हुए देखा, सांप और केंचुए की तरह जमीन पर रंगते हुए देखा मैंने। जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए कि भूख लगी थी उसे, बिलग रहा था वो भूख के मारे। मेरी मां ने मेरे भाई को रुइयों में पाला और आज मैंने अपनी मां की बरसों की तपस्या पर पानी फेर दिया। वाह, क्या तरक्की की है विज्ञान ने, कंप्यूटर साइंस ने। पहले के जमाने में कोई सोच सकता था कि धंधे के सारे नाम पते लेन देन की जानकारियां एक छोटी सी फ्लॉपी डिस्क में दर्ज हो जाया करेंगी। अमेजिंग मैन, फैंटास्टिक। अरे हाँ गुमान, वो फिल्म कहाँ यार? ये लो। जानते हो ये फिल्म $20 लाख में बिकी है। उस हरामजादे इंस्पेक्टर जय के बारे में क्या सोचा तुमने? अरे यार वो इंस्पेक्टर कहाँ रहा, वर्दी उतर गई साले की, बर्बाद हो गया वो कंबा। लेकिन मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई मत छोड़ना, कौन कहता है छोड़ने के लिए, लेकिन थोड़ा सब्र करो। उसने कल ही तो इस्तीफा दिया है, वहां उसका इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं कि यहां हमने उसे चींटी की तरह मसला रहे। फिलहाल तुम ये चीजें और ये बैग मिस्टर हार्पर के आदमी को एयरपोर्ट पर पहुंचाओ, वो 11:30 की फ्लाइट से जा रहा है। और गुमान दिमाग थोड़ा ठंडा रखा करो। हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे, सौ। फिर बनाई? हाँ तो फिर मैं पुलिस बनूंगा। तुम लोग चोर बन के छुप जाओ, जाओ मैं तुम लोगों को फिर गोली मार दूंगा। तू मैं आऊं? नहीं। ए मैं आऊं? चीटिंग करता है साला। ए, 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 मैं आऊं? आ जा। मेरे को तो ठीक से दिखता भी नहीं है।
चश्मा लेके भाग गया, मेरे को ठीक से दिखता भी नहीं था मालूम। कैप्टन है कैप्टन, वो आदमी कौन था जो बैग छोड़ के भाग गया? कौन सा आदमी? अरे वही जो तेरे हाथ में पिस्तौल देख के डर के भाग गया। पिस्तौल देख के डर के भाग गया? तो मैं तो ह्यूमन हूँ ना, मैं तो सुपरमैन भी हूँ। अरे हसमत साले, चल चल के बैग देखते। चल हाया। ये कैप्टन है कैप्टन, मुझे तो लोचा लगता है यार। अगर ये आदमी पुलिस में चला गया तो हम सबको 20 साल चक्की पिसनी पड़ेगी। हे कैप्टन है कैप्टन, मुझे तो जोती पट्टी आई है, मैं घर जाता हूँ। गाड़ी पर के सब पत्नी के लिए निकल लो। हाला ये सनी है सनी, अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं? चल मैं तुझे बताता हूँ। ए सनी है सनी, तू इसको घास में छुपाएगा? हाँ सुंदर, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं इस बैग के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अगर बताऊंगा तो मेरी माँ मर जाएगी। तू भी अपने भाई की कसम खा। चलो साला, मैं जय की कसम खाऊंगा तो जय मर जाएगा, मैं जय की कसम नहीं खाऊंगा। तो क्या हुआ, मैंने भी तो अपनी माँ की कसम खाई है। अच्छा, मैं जय की कसम खाता हूँ, मैं ये बैग के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अभी इसको छुपा दे। हाँ सनी चल, ये तो एकदम दिखता नहीं अभी। चल तुम्हारा मतलब है कि जय ने, जय ने तुमसे वो बैग छीन लिया। मैंने तुमसे सीधा एयरपोर्ट जाने को कहा था, तुम उस कंबक के घर गए क्यों? जानते हो अगर वो बैग पुलिस के हाथ लग गया तो मैं तुम हम सब फांसी के फंदे पे झूलते नजर आएंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अन्ना सर, ये चक्कर क्या है? वो जय का बच्चा अब भी पुलिस में है क्या? नहीं सर, पक्की बात है, वो कल ही इस्तीफा दे चुका है। सच कहता है? अपने बीवी बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ सर। बीवी बच्चों की कसम खाता उस हरामजादे जय के घर में भी तो कोई घर वाले कोई बीवी बच्चे होंगे। कौन कौन है उसके घर में? जी कोई ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ एक माँ है और एक भाई है जिसका वो अक्सर बड़े प्यार से जिक्र किया करता है, मगर वो पागल है। भाई है मगर पागल है, लेकिन माँ तो है, और माँ बड़ी अनमोल होती है खन्ना। माँ इस दुनिया में ना रहे तो बच्चे बड़े बेसहारा बड़े मजबूर हो जाते हैं, है ना? उसकी माँ के दुनिया में ना होने से हमें हमारा बैग कैसे वापस मिल सकता है? मिलेगा गुमान, जरूर मिलेगा। फर्ज करो तुमने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा और अगले दिन तुम्हारी खिड़की के सारे शीशे टूटे हुए मिले, तो तुम में अगर जरा सी भी अकल होगी तो तुम जरूर समझ जाओगे कि तुम्हारी खिड़की के शीशे मैंने तोड़े हैं। इसी तरह जय ने तुम्हारा बैग लिया, और अगर उसकी मां का कत्ल हुआ तो वो जरूर समझ जाएगा कि उसकी मां को हमने मारा है, और हमारा अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि उसका वही अगला लेकिन प्यारा भाई होगा। वो घुटनों के बल चलकर आएगा हमारे पास गुमान, घुटनों के बल चलकर आएगा वो। मैं डॉक्टर साहब को अभी भेजती हूँ। माँ, सुंदर ना माँ, सुंदर ना, खेलने गया था कहीं, मैंने शर्मिला को फोन कर दिया, उसे लेकर आती होगी बस। ये सब कैसे हो गया माँ?
शायद किस्मत में यही लिखा था बेटा, सबको जाना तो है एक दिन। ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल। जिम्मेदारी बढ़ गई ना मेरे बच्चे की, मेरे बात सुंदर को तू ही तो संभालेगा। ऐसा क्यों बोल रही तू, ऐसा क्यों बोल रही, मैं क्या संभालूंगा, तू है ना, तू संभालेगी उसे भी और मुझे भी। अरे थोड़ी दिनों की बात है बस, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा माँ। मेरा बहादुर बच्चा रोता है जे, जे, जे। माँ जे। डॉक्टर! नहीं मेरे बच्चे, मुझे छोड़ के मत जा। रिक, रिक तृष्णा है सब मेरे साथ वो। हरि ओम तत्सत। नहीं माँ। बोल बेटा। हरि ओम तत्सत। नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। हरि ओम तत्सत। 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 हरि ओम नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। यजमान, बड़े बेटे से मां को मुखाग्नि दिलाइए। पंडित जी मगर सुंदर, शास्त्रों के अनुसार अगर बड़ा बेटा मां को मुखाग्नि दे तो आत्मा को शांति मिलती है। ले सुंदर, माँ को मुखाग्नि दे। नहीं जाए, माँ को आग मत लगाना, आग बहुत खराब चीज होती है, थोड़ा सा भी लग जाए ना तो बहुत जलता है। मालूम मेरे को जब लगा था ना तो माँ बहुत रोई थी। तो माँ को आग मत लगाना जाए, माँ को कितना दुखेगा मालूम। मरने के बाद इंसान को दुख सुख कुछ भी नहीं होता सुंदर, मां तो मर चुकी है ना। किसने मारा मेरी मां को जाए? बस समझ ले कि भगवान की यही मर्जी थी। ये ले मुखाग्नि दे मां को। नहीं, मैं भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा जय। उसने मेरी माँ को मारा ना, मैं भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा जय। उसने मेरी माँ को मारा ना। पंडित जी आप ही कुछ कीजिए,
मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं आखिरी दूंगा, नहीं, मेरे माँ को मत जला, मेरे माँ को मत जला, जोड़ दो मुझे, मेरे माँ को, मेरे माँ को मत जला, मेरे माँ को मत जला, मेरे माँ को बहुत दुख होगा, उसको मेरे माँ को मत जला, मेरे माँ को मत जला। मैं भी यही सोच रहा था कि उसकी मां के मरने पर ही वो हमारे पास क्यों नहीं आया। हद हो गई गुमान, बहुत बहुत ही बेवकूफ हो तुम। तुम्हें जय और उसके पगले भाई में कोई फर्क नजर नहीं आया? अरे वो मेरी तरफ पिस्तौल दाने चला रहा था, ऐसे में जान बचाने की सोचती या फर्क ढूंढने की? अरे भाई फिर भी कहां सोमर कहां शनि। राम और श्याम देखिए तुमने, सीता और गीता देखिए, सोम मंगल बुध शनि की बात करते हो। अरे दोनों एक ही शक्ल के हैं, देखोगे तो तुम भी चक्कर खा जाओगे। अब तो देखना ही पड़ेगा। वैसे भी अब उस पगले के हाथ पे तो जोड़ने ही पड़ेंगे ना। ये भाई मुन्ना कहाँ है वो बैग? वो बैग हमें दे दो। Son of a bitch! सुंदर, ए सुंदर, तू खेलने नहीं जाएगा? जा तू खेलने जा, हम लोग तेरे लिए नाश्ता बनाते हैं। ये सुंदर तो बात ही नहीं करता। हरामजादे, मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूं कि वो बैग कहां है, नहीं तो मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। हां तुम लोग मेरे को कितना भी मारो तो भी मैं नहीं बताऊंगा कि बैग कहां है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मेरा भाई जय मर जाएगा। अच्छा अच्छा, तो तुझे तेरा भाई जान से प्यारा है? हां देखते हैं बच्चे। सुंदर आज खेलने नहीं जाएगा? क्या मतलब, सुंदर खेलने के लिए गार्डन में नहीं है? नहीं तो कहाँ गया होगा? हेलो। हाँ जय बाबू, हमारा एक बैग तुम्हारे पास आ गया है गलती से, वो हमें वापस चाहिए। जगताप, किस बैग की बात कर रहे तुम? देखो जगताप, तुम्हारा कोई बैग बैग नहीं है मेरे पास। उस बैग का पता तुम्हारे इस पागल भाई को है, लेकिन ये हमें बता नहीं रहा। तुम बात करके देखो, शायद बता दे। क्या क्या सुंदर सुंदर जय बाबू, अब बोलो। जगताप देखो, जगताप तो मेरे भाई को हाथ मत लगाना, तुम फोन दो उसको, मैं बात कर दो उससे। बात कर। हाँ सुंदर, सुंदर तुम्हारे पास कोई बैग हो ना तो बता दो। नहीं जय, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने तुम्हारी कसम खाई है, मैं बताऊंगा तो तुम मर जाओगे। अरे ऐसी कसम कसम खाने से कोई मरता नहीं है, तू बता दे कि बैग कहाँ है। तुम माँ की तरह मर जाओगे तो। सुंदर ये भैया, मुझे मालूम है बैग कहाँ है। आ जाए बाबू बोलो। हेलो जगताप, जगताप तुम मेरा इंतजार करो, मैं बैग लेकर पहुंच रहा हूँ। और सुनो, तुम मेरे भाई को मारना बोला दिया। Hey, that's like a good brother. हाँ तो अब गौर से सुनो कि बैग लेकर कहाँ आना है तुम्हें। ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। Thank you.
आइए आइए इंस्पेक्टर जय। आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब है मिस्टर जय। बहुत सही कहा था आपने कि राक्षस की जान तोते में होती है और तोते की गर्दन। अब फर्ज कीजिए कि मैं राक्षस को भी मार डालूं और तोते की गर्दन भी उड़ा डालूं, तो आप क्या कर लेंगे? देखो, तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। और फिर मैंने तुम्हें बैग भी लौटा दिया। बैग तो लौटा दिया, अब खोल भी दो। मगर मुझे इसका नंबर नहीं मालूम। ओहो, नंबर नहीं मालूम? वेरी गुड। नंबर नहीं मालूम, वाह। हाँ, अब लो, खोलो। ये लो अपनी चीजें और मेरा भाई मेरे हवाले कर दो। ऐसे तुझे कैसे छोड़ देंगे हरामजादे? बहुत तड़पाया है तूने मुझे, बहुत। पहले मैं अपना हिसाब तो चुकता कर लूं तुझसे। चल नहीं कर दूंगा।
बस करो गुमान, बस करो यार। कुछ लोगों की अकल जरा देर में आती है ना? तब तक तुमने मुझे गुमान को नहीं लौटाया जब तक मैंने अंधों के स्कूल में बम नहीं फोड़ा। एक बात और, तुम्हारी मां की जान भी मैंने ली थी। मैंने ली तुम्हारी मां की जान, मैंने ली तुम्हारी मां की जान, मैंने। वैसे गोलियां तो मैंने सारी निकाल दी हैं, लेकिन आप तो जानते हैं इतनी गोलियां लगने के बाद किसी का बचना क्यों नहीं बच सकता। मेरे अपने दोस्त को पुलिस एनकाउंटर में 7 गोली लगी थी, वो बच गया, आज तक जिंदा है, तंदुरुस्त है, तो फिर मेरा सुंदर क्यों नहीं बच सकता? वेल, अगर आज की रात सही सलामत गुजर जाए तो शायद, लेट्स होप सो। शायद बकवास कर रहा है, सुना तुमने? हिम्मत से काम लो जय, सब ठीक हो जाएगा। सुबह होने का इंतजार तो करो, सब ठीक हो जाएगा जय। बकवास करता है। सुंदर, सवेरा हो गया, देख तेरे सब दोस्त तेरा इंतजार कर रहे होंगे, चंदू सनी सब। तू खेलने नहीं जाएगा? हाँ, तू कह रहा था ना, तू
तो कह रहा था ना कि तूने सुपरमैन का ड्रेस देखा है एक दुकान पर, जिसे तू पहनेगा और पूरा सुपरमैन बन जाएगा, फिर उड़ेगा इधर से उधर, उधर से इधर। चल के सुपरमैन का ड्रेस खरीदते हैं जय। फिर मैं तुझे बैट बॉल दिलाऊंगा, मैं तुझे पतंग दिलाऊंगा, फिर तुझे 2, 10, 3, 10, 4, 10 रुपया जितना रुपया मांगेगा सब दूंगा तुझे। उठ सुंदर, उठ सुंदर, सुंदर उठना यार, तू एक बार आंख खोल दे, तू एक बार आंख खोल दे, आंख खोल देना यार सुंदर, इतना दुख मत दो तुम लोग मुझे यार, इतना दुख मत दो तुम लोग मुझे। जय जय जय, देखो सुंदर भैया ने आंखें खोली। जय अरे सच्ची रे बदमाश कहेगा। देखो देखो अतरा है दोस्त, मुझे रुला के अतरा है, इतना हैरान किया मुझे तूने, इतना हैरान। खबरदार जो मेरे सुंदर भैया को डांटा। अरे वाह भाई वाह। और नहीं तो क्या, तुम मेरी जान से, मगर मेरा सुंदर भैया मुझे जान से प्यारा है। राज दुलारा तू मेरी आंख का तारा।